छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सोमवार को छत्रसाल चौराहे पर मॉडिफाइड टू व्हीलर बुलेट वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने बताया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 18,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया है। इसके आगे उन्होंने बताया कि टू व्हीलर वाहन पर स्टंट करने वाले सहित नाबालिग वाहन चालकों पर आगामी दिनों में कार्यवाही की जाएगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। लगातार बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा यह बताया जा रहा था कि शहर में आवारा किस्म के लड़के साइलेंसर मॉडिफाई करा के चोक लगी हुई गाड़ियों को शहर में दौड़ा रहे हैं। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज ये कार्रवाई की गई, जिसमें 10 ऐसे बुलेट जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर था उनको रोक कर कार्रवाई की गई और चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 2,000 रुपए मॉडिफाइड साइलेंसर का जो नियम है 2,000 रुपए चालान काटे गए। कुल अब तक 8 बुलेटों में चालानी कार्रवाई कर दी गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, आगामी दिनों में जो एक स्पीड में निकलते हैं स्टंटबाजी करते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई? उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हमारा जो रोको टोको अभियान चल रहा है, उस रोको टोको अभियान में हम लोगों ने देख कर ऐसे लड़के जो रोडों में फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, नाबालिग बच्चे जो तीन तीन चार चार सवारी बैठ के गाड़ियां शहर में दौड़ा रहे हैं और रोड पर कहीं भी खड़े होकर रील बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों पर ऐसे युवाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए।